मैं शशि शेखर विशेषोरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर सफलता की कहानी को आपके समक्ष लेकर आया हूं। आप इससे जो है ना मोटिवेट हो, सफलता को प्राप्त करने के लिए जो है ना अपने अंदर एक डेडिकेशन को प्राप्त करें, ये कोशिश ही हमारी है। क्लासेस में हमेशा हम लोग जो है विद्यार्थियों से मिलते हैं, क्लासेस में हमेशा विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि एक सफल विद्यार्थी हमारे नए बच्चों को जो अभी कम्पिटिटिव लाइफ को जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, कम्पिटिटिव लाइफ में है, वो उनको जो है ना मोटिवेट करें, और वो बच्चे जो अभी जो है कम्पिटिटिव लाइफ को प्रारंभ कर रहे हैं वो इनसे मोटिवेशन प्राप्त करें। हम लोग आज कहानी लेकर के आए हैं पीजीटी ज्योग्राफी के एक सफल विद्यार्थी की। ध्यान रखना है, जेएसएससी के द्वारा पीजीटी की एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, और उसमें जो है 11 विषयों की परीक्षा हुई थी, जिसमें से कुछ विषयों का रिजल्ट आया है। इसमें एक विषय है ज्योग्राफी, और हमारे संस्थान के एक विद्यार्थी जिनका नाम है रोशन तिर्की, ये सफलता को प्राप्त किए हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी जो है ना उपलब्धि है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में शिक्षा और दूसरे चीज़ों की कहानी थोड़े अलग नज़रिए से देखी जाती है, तो ये अपने आप में अपने क्षेत्र के लिए आइकन बने हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी कहानी आपके समक्ष आए, आप तक पहुंचे, और आप इससे जो है ना थोड़ी प्रेरणा ग्रहण करें। सबसे पहले रोशन जी को जो है ढेरों सारी बधाइयां देना चाहूंगा, और जो है उनकी इस सफलता पर संस्थान की तरफ से एक छोटी सी भेंट उन्हें प्रदान करना चाहूंगा। रोशन, चलिए ये बधाइयों का जो है ना दौर समाप्त करते हैं, और हम लोग चलते हैं रोशन के तरफ, जहां हम जानेंगे उनका परिचय, किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी स्थिति क्या है, या उनका नाम कहाँ है, नाम क्या है, गांव कहाँ है, थोड़े इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, लीजिए। धन्यवाद सर, और इस संस्थान को भी जो हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं और मुझे ये अवसर दे रहे हैं कि मैं अपनी जो भी सफलता अर्जित की है उसको हम आप लोगों के समक्ष रख सकें। तो मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम रोशन तिर्की है और मैं पश्चिम सिंहभूम जिले के एक छोटे से गांव कोकचोक का निवासी हूँ और फिलहाल अभी रांची में रह रहा हूँ। और मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई रांची में हुई है और मैंने बीएड लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर से किया और पीजी मैंने कोल्हान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, और साथ ही साथ मैं विशेषरी में टेस्ट सीरीज देते हुए यहाँ से मैंने नेट अपना क्वालिफाई किया, और फिलहाल अभी जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है इसमें हमने सफलता अर्जित की है। यही मेरा परिचय। धन्यवाद रोशन जी। अब आप ये बताने का प्रयास करें कि ये जो सफलता आपको मिली है, इसका श्रेय आप किनको किनको देना चाहेंगे? कौन कौन से लोग हैं जो आपके इस सफलता में आपके साथ रहे, या उनके साथ होने से आपको जो है ना एक मनोबल मिला, आपको प्रेरणा मिली और आप सफलता को प्राप्त किए? सर, सबसे पहले तो मेरे माता पिता और मेरी सिस्टर, और साथ ही साथ हमारे भाई जिनका नाम देवा है, उनका काफ़ी योगदान रहा है। और शिक्षक के तौर पे जब मैं देखता हूँ तो हमारी बीएड की एक मैम है अल्पा रोशनी बाकला, उनका योगदान काफ़ी रहा इस क्रम में। और साथ ही साथ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि विशेषरी स्टडी सेंटर जहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया वो काफ़ी मददगार था मेरे लिए और इस सफलता को अर्जित करने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। परिवार, संस्थान, सबके सहयोग से सफलता आपने प्राप्त करी है, ये अच्छी बात है। सबके लिए मोटिवेशन का काम करता है ये चीज़ कि आप ना परिवार के सहयोग को हमेशा बनाए रखें, आप हमेशा जो है ना किसी संस्थान से जुड़े, ताकि आपकी कमी और आपकी मजबूती को वो जो है ना उजागर करके आपके समक्ष वो चीज़ों को ला सके।
अब हम लोग जो है ना रोशन से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय किस प्रकार की रणनीति बनाते थे, किस प्रकार का जो है ना आप तरीका अपनाते थे कि आपको जो है ना इस तरीके से पढ़ने से सफलता मिलेगी, या इस तरीके को अपनाएंगे तो यह ज़्यादा आसान होगा याद करने में, कंटेंट को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, वो रणनीति के ऊपर एक बार आप बताएं। सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जब अपना पीजी कंप्लीट किया उसके बाद कोरोना काल का क्रम चल रहा था, तो लग नहीं रहा था कि वैकेंसीज आएंगी, और उसको देखते हुए मैंने सोचा कि काम ज्वाइन कर लेता हूँ। कुछ कुछ काम किया मैंने, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट लेके आई वैकेंसीज। तो मेरे पास, क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो काम से जुड़ा हुआ था, और काम करते करते आप जब पढ़ाई से दूर होते हो तो आपको उतना समय नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, तो मेरे पास काफ़ी कम समय रहता था। और लास्ट के मतलब वैकेंसी आने से आती है, उसके बाद में तैयारी करने, तो वो समय आपके लिए बचता नहीं है जितना आपको चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल मतलब जो तैयारी था उसके हिसाब से मैं देखता हूँ, तो आप करीब करीब मान के चलिए कि आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम था। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स को देखता हूँ तो मैंने MA की सारी जो भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड थे उन सभी बुकों को मैंने पढ़ा, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज में तो दे ही रहा था यहाँ से। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत मैगजीन्स वगैरह का भी सहयोग लिया, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको काफ़ी मिलता है, क्योंकि आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, क्योंकि आप पढ़ते हो और क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग रहता है, तो आपका ध्यान कभी कभी आकर्षित नहीं हो पाता है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपका माइंड उस हिसाब से काम करता है कि आप चीज़ों को समझ सके, देखें। तो मेरे लिए है कि आप अपने पहले, अगर इस तरह का PGT का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने MA की सारी बुक्स को पढ़ना चाहिए, बढ़िया से पढ़ना चाहिए। और उसमें भी अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी लेते हैं या क्लाइमेटोलॉजी लेते हैं तो सविंदर सिंह की बुक काफ़ी अच्छी है। मैंने थोड़ी बहुत कुल्लर सर के भी बुक से पढ़ाई किया, और मैगजीन के तौर पे आपको निकल कर ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज टाइप का कुछ कुछ आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, क्योंकि इससे आपका जो लक्ष्य है वो काफ़ी नज़दीक नज़र आने लगता है। इसी तरह से मैंने तैयारी किया सर। चलिए धन्यवाद जो है रोशन जी। बस एक अंतिम सवाल आपसे यही पूछना है कि किसी संस्थान का आपके कम्पिटिटिव लाइफ में क्या योगदान होता है, आपको क्या फर्क महसूस होता है जब आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं, या जो है ना किसी संस्थान से जुड़ करके आप अपनी जो है सफलता को आगे बढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा उसके बारे में जो है ना आप बताएं कि क्या आपने जो है ना अलग पाया। सर देखिए, मतलब जैसा मैं महसूस करता हूँ कि आप अगर अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप किसी संस्थान से उस तरीका से नहीं जुड़ पाए जिस तरह से जुड़ना चाहिए, और संस्थान का भी महत्वपूर्ण योगदान इसलिए हो जाता है कि अगर आपने गलत संस्थान चुना तो आप मेहनत करोगे लेकिन जो डायरेक्शन पे होना चाहिए वो डायरेक्शन मिल नहीं पाता, मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। अब अपनी बात करता हूँ तो देखता हूँ कि मैं यहाँ के अलावा और एक दो जगह का टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था, लेकिन उनका स्तर उस तरह का नहीं था जो PGT के लिए चाहिए था। और यहाँ का जो स्तर था वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण था। आप सोच सकते हैं कि PGT की जगह नेट भी मेरा एक बार में ही क्लियर हो गया, जबकि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। मैंने, क्योंकि मैं PGT पे फोकस था तो मैंने नेट का प्रिपरेशन क्या नहीं था, लेकिन यहाँ का टेस्ट सीरीज के बदौलत मतलब इजीली मतलब हो गया मेरा 2 नंबर से JRF, 2 क्वेश्चन से मेरा JRF छूट गया। अफसोस है, शायद अगर प्रिपरेशन किया होता तो शायद उसी समय क्लियर हो जाता। तो संस्थान बहुत सारे, आपको संस्थान देख समझ के चुनना चाहिए, अपने दोस्तों मित्रों जहाँ से हो सकता है, या फिर आप कुछ दिन वहाँ पे देख सकते हैं, डेमो के लिए जा सकते हैं कि उनका पढ़ाई का स्तर क्या है और उनका टेस्ट सीरीज कैसा है। और सभी लोग जो यहाँ पे तैयारी करेंगे इस स्तर का तो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, BEd करके आए हुए हैं, MA किए हुए हैं, तो उनको समझने में कि कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ पढ़ाई का स्तर क्या है। तो बिसेसरी वन ऑफ द बेस्ट मतलब संस्थान है रांची में। मैं पहले भी बहुत लोगों को बता चुका है, स्पेशली रिकमेंड किया हूँ कि आप जाके वहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए,
काफ़ी अच्छा रहता है। तो संस्थान के तौर पे विशेषरी तो मतलब मेरा जो भी अचीवमेंट है ये JCCPGT का, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और हमेशा इसके लिए आभारी रहूँगा इस संस्थान का। धन्यवाद रोशन जी। अब चलते चलते एक बात और, थोड़ा ये हंसते खेलते वाले अंदाज में सवाल जो है ना आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जो है ना बिहेवियर मैनेजमेंट का बदल जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है। आपको जो है ना यहाँ पर शिक्षकों से कैसा कोऑपरेशन मिला, यहाँ के जो है ना जो मैनेजमेंट है उससे जो है ना आपको किस प्रकार का जो है ना व्यवहार का अनुभूति हुआ, थोड़ा ये बताने का प्रयास करें। मैं यहाँ मतलब हमारी एक महिला मित्र हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप जाइए क्योंकि आज से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है और मैं मेरे पास काफ़ी कम समय बचा था। मुझे पता नहीं था कि बार बार कैंसिल होगा, लेकिन जो समय था तो लग रहा था कि ये एकदम काफ़ी कम समय बचा है तो चलो करना है और इस बार काफ़ी जितना दे सकता हूँ उतना करूँगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के तौर पे देखते हैं तो विजय सर से मुलाकात हो, फिर आपसे भी हुआ, और ऐसा मतलब मिसबिहेव देखिए मतलब हमको मेरे साथ तो नहीं हुआ तो हम बोल नहीं सकते कि हम इस बिहेव। वहाँ सर हैं, अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप सीखने आए हैं तो मतलब कोई चीज़ है ही नहीं। और मिसबिहेव जैसा देखिए अगर अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होता, छोटी बात को दिल से लगा लेंगे आप, उन चीज़ों को बड़ी भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप सीखने गए हैं तो अगर कुछ हो भी रहा तो वो मतलब एक स्टूडेंट के तौर पर मतलब उस सबको इग्नोर करना चाहिए अगर होता भी है, लेकिन मेरे साथ इस संस्थान में ऐसा नहीं हुआ और मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और विजय सर हुए, आप हुए, तो हम मेरे साथ तो ऐसा भी था कि मैं टेस्ट सीरीज देने नहीं आ पाता था क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरे पास मतलब काम करता रहता हूँ तो कभी मतलब इस सिटी में ही नहीं रहता हूँ। तो सर को कॉल करते थे और सर मतलब भेज देते थे PDF से। अब मैं बोलता था मैं मतलब पूरा ईमानदारी से ही एग्जाम दूंगा अपना जैसा टेस्ट देता हूँ। तो मेरे लिए मतलब दूर होते हुए सिटी में ना रहते हुए टेस्ट सीरीज के दौरान मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं। और जहाँ तक मार्गदर्शन का भी बात है तो बहुत सारा चीज़ मिलता था, शेखर सर से ऑलवेज मेरा बात होते रहता था कि सर थोड़ा सा बताइए। और इस संस्थान में भी आता था तो हंसी मजाक चलते रहता था, कभी कैंसिल हो रहा है कभी कोर्ट केस चल रहा पता नहीं क्या क्या, तो हंसी मजाक चलते ही रहा। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। रोशन जी धन्यवाद, आपकी इस बधाई, आपकी सफलता को जो है ना आप भुनाएं, इसके लिए फिर से हम लोग बधाई देंगे आपको कि आप जो है ना पूरा एंजॉय करें, आनंद लें इस सफलता का, और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपने आप को आगे बढ़ाएं और झारखंड को बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद रोशन जी, जोहार दोस्तों।